मैं साथी को फांसी की सजा सुनाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वंच तुम्हें फांसी की सजा सुनाएं और तुम खुश होता है। अभी तुम्हारी एज क्या है? इस एज में तो आदमी ड्रीम डिजाइन करता है और उसे पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम ड्रीम तो हमने भी देखा था इस बचपन में। इस मिट्टी को देख रहे हो वंच, तुम इस मामूली मिट्टी को ड्रीम पता है? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये मेरे जलाए वाले बाप की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। तुम्हें क्या लगता है ये मामूली मिट्टी तुम्हें फांसी आजादी दिला देगी? मुझे मेरी फांसी से आजादी नहीं, तुम जैसे अंग्रेजों से अपने मुल्क पर आजादी चाहिए। भगत सिंह, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फांसी आजादी दिला सकता हूँ, मगर तुम्हें हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख के भेजना होगा। मेरे चाचा सुरिंदर सिंह और मेरे दादा गुरु प्रताप सिंह देश की लड़ाई में मारे गए, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी सरकार को माफी ना मांग लेके भेजूं? मैं इतना बड़ा गद्दार भी नहीं कि अपने देश के साथ गद्दारी कर दूं। भगत सिंह, अगर तुम्हारा इरादा आधी रात को ही बदले तो मुझे बताना, मैं पर्सनली ऑफिस में जाके बात करूंगा और तुम्हें फांसी से आजादी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। भगत सिंह, विद लास्ट विश कोई अंतिम इच्छा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।